नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रेशमा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। भारत नागरिक उड्डयन पर दिल्ली में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में हुए शामिल। सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली दिल्ली घोषणा पत्र अपनाने का होगा ऐलान। आखिरकार जूनियर डॉक्टरों से बातचीत के लिए राजी हुई ममता सरकार। आज शाम 5 बजे नबन्ना में 15 लोगों के डेलीगेशन से होगी चर्चा। सामान्य स्थिति की बहाली के लिए होगी चर्चा। हरियाणा में कांग्रेस ने 90 में से 89 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। भिवानी सीट सीपीएम के लिए छोड़ी। नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण की वोटिंग के लिए भी दाखिल हुए नामांकन। शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ आर पार की स्थिति। कल हुई पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आज बाजार बंद। सड़कों पर उतरा व्यापारी वर्ग। जोधपुर में तरंग शक्ति 24 एक्सरसाइज का आखिरी दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने मित्र देशों के साथ रक्षा संबंधों को किया मजबूत। 90 देशों में सैन्य साजो सामान का निर्यात कर रहा है भारत। पेरिस पैरालंपिक में शामिल भारतीय खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29 मेडल के साथ शानदार प्रदर्शन करने पर दी बधाई। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन पर आयोजित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी सदस्य देशों से दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने का ऐलान भी करेंगे। दिल्ली घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक दूरदर्शी रोड मैप है। नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। राममोहन नायडू को एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने वर्ष 2035 तक सालाना 3.5 अरब यात्रियों को समायोजित करने के लिए एशिया प्रशांत विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश का आह्वान किया है। नागरिक विमानन मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक विमानन कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को 25% तक ले जाना है। 8 जेकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार हत्या के मामले में कई दिनों से डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में अब पश्चिम बंगाल सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए पश्चिम बंगाल सरकार ने जूनियर डॉक्टर से 5 बजे नबन्ना आने का अनुरोध किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने खत में लिखा कि वो हितधारकों से बातचीत करने के लिए हमेशा से तैयार है। पत्र में बताया गया कि उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए शाम 5 बजे नबन्ना के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक होगी। बैठक में केवल 15 व्यक्तियों का प्रतिनिधि दल ही चर्चा के लिए शामिल हो सकेगा, जिससे सार्थक चर्चा हो सके। और कोलकाता में स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास एक संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी फैल गई है। बैग में बम होने की आशंका के चलते पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। ये वही जगह है जहां रेप और हत्या के मामले में न्याय के लिए डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार हत्या के मामले में कई दिनों से डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में अब पश्चिम बंगाल सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए पश्चिम बंगाल सरकार ने जूनियर डॉक्टर से 5 बजे नबन्ना आने का अनुरोध किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने खत में लिखा कि वो हितधारकों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हैं।
पत्र में बताया गया कि उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए शाम 5 बजे नबन्ना के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक होगी। हालांकि बैठक में केवल 15 व्यक्तियों का प्रतिनिधि दल ही चर्चा के लिए शामिल हो सकेगा। पश्चिम बंगाल सरकार का दावा है कि इससे सार्थक चर्चा हो सकेगी। और हरियाणा में कुर्सी की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प हो गई है। लोकसभा चुनाव में जो इंडी गठबंधन एक होकर लड़ रहा था, वो अब हरियाणा में अलग थलग है। यानी गठबंधन के सारे सहयोगी आपस में ही लड़ेंगे। खासतौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर आखिर तक बात नहीं बनी। इन सब के बीच कांग्रेस की ओर से तस्वीर साफ हो गई है। 90 में से 89 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट भिवानी को CPIM के लिए छोड़ दिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि दोनों ही दलों में टिकट बंटवारे को लेकर काफी नाराजगी है। आज पानीपत में कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट ना दिए जाने से नाराज रोहिता रेवड़ी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भर दिया। और यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए शान बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 7वीं सूची जारी की है। इस सूची में आपने 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। आपने जगाधरी से आदर्श पाल गुर्जर, नारदौंद से रणबीर सिंह लोहान और नूह से राबिया किदवाई को उम्मीदवार बनाया है। आपने हरियाणा की सभी 90 सीटों से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए JJP-ASP गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी है। उम्मीदवारों के नामांकन के आखिरी दिन में ये सूची जारी की गई है। 7वीं सूची में 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इस सूची में सभी 6 उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी के हैं। JJP ने लाडवा से एडवोकेट विनोद शर्मा, कलायत से प्रीतम मेहरा कोलेखा और घरौंडा से राजपाल रोड कैमला, सिरसा से पवन शेरपुरा, हांसी से शमशेर ढुल और बालडढ़ा से लेफ्टिनेंट कर्नल यशवीर सिंह शोरण को उम्मीदवार बनाया है। अभी तक JJP-ASP गठबंधन 87 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। सिरसा की रानिया सीट पर JJP-ASP गठबंधन ने निर्दलीय उम्मीदवार रणजीत चौटाला को समर्थन देने का फैसला किया है। और हरियाणा के फतेहाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत सिंह दौलतपुरिया ने नामांकन भरा। उनके समर्थक तथा कार्यकर्ता भारी संख्या में उनके साथ मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव से हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों का उत्साह और उमंग है, उसको देखते हुए लोकसभा चुनाव ने भारी बहुमत से जीता और जिस तरह से दुगने जोश क्रोश से लोकसभा से भी अब हरियाणा विधानसभा के कार्यकर्ताओं में जोश है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 3 दिन के अंदर तो विरोधी पक्ष अपने तंबू खालने का काम करेंगे। हरियाणा के भिवानी से भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने तो शाम विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरा। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया।
आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर लाठीचार्ज और अवैध मस्जिदों का रिचार्ज नहीं चलेगा। ये जो मोहब्बत की दुकान है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, ये केवल हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज और टियर गैस नहीं छुड़वा रही है, ये कर्नाटक में गणेश विसर्जन के समय गणेश मूर्ति के ऊपर चप्पल फिकवाने से लेकर पत्थर फिकवाने का काम भी कर रही है। अपीजमेंट के अंतर्गत हिंदुओं पर लाठीचार्ज होगा और अवैध मस्जिदों का रिचार्ज होगा, यह ना तो जनता चाहती है और ना ही एक सभ्य समाज में कानून चाह सकती है। भाजपा उम्मीदवार युधवीर सेठी से जम्मू पूर्व विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले एक रोड शो किया गया। इस दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। और दिल्ली में पिछले 12 दिनों से चल रहा एनसीसी का अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर संपन्न हो गया। देश भर से चयनित करीब 1,550 कैडेटों ने इसमें हिस्सा लिया। शिविर में कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को एनसीसी महानिदेशक ने पुरस्कृत भी किया। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह से खास बातचीत करते हुए शिविर का जायजा लिया। एनसीसी के ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप के आखिरी दिन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को महानिदेशक ने सम्मानित किया। हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। सर, सर कैसा रहा प्रदर्शन कैडेटों का? तो प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। ये 12 दिन का थल सेना कैंप था और तकरीबन 1500 कैडेट इधर आए थे। हाल ही में हमने हमारा जो नेवल कैंप है वो नौलावना में पूरा किया और अगले महीने हमारा एयर कैंप बेंगलोर में चलेगा। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में सर्विस सब्जेक्ट्स हैं उसका इसमें कल्मिनेशन है। इनका टेस्ट होता है, कंपटीशन होता है और कैडेट्स का प्रदर्शन अच्छा रहा। और उस सिवाय हमने थोड़ा इसको और इसमें वैरायटी लेके आए हैं। जिस प्रकार से कैडेट्स से हमारे को इनपुट्स मिला था, तो सर्विसेज ने आके उसमें कैसे रिक्रूटमेंट होती है उसके बारे में इनको बताया। स्किल काउंसिल ने भी आके इनको जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में बताया। स्टार्टअप ऑफ इनोवेशन की क्या सहूलियतें हैं, उसको कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम अपने कैडेट्स को बताया। थोड़ा बहुत साइबर सिक्योरिटी के बारे में इधर बताया। इस कैंप के दौरान किस किस प्रतियोगिताओं में इन कैडेटों को हिस्सा लेने का मौका मिला? तो जो सर्विस सब्जेक्ट्स में था टेंट पिचिंग, उसके बाद इन्होंने फायरिंग करी है। ऑब्स्टिकल कोर्स हमने नहीं किया बिकॉज बारिश के कारण हमारा ऑब्स्टिकल का जो था वो थोड़ा स्लिपरी था। मैप रीडिंग, जजिंग डिस्टेंस, रिटन टेस्ट, हाइजीन एंड सैनिटेशन, लाइन एरिया इंस्पेक्शन। नीरज कुमार, कैसा लगा महानिदेशक ने पुरस्कृत किया आपको आज? सर बहुत बढ़िया, एंड दिस कैंप हैज़ बीन अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज इट फोकसेस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट लाइक फिजिकल, मेंटल, द डिसिप्लिन वी गेट एंड द ऑल एकेडमिक सब्जेक्ट्स व्हिच वी एक्वायर हियर आर वंडरफुल। बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइक लॉट ऑफ प्राउड, आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ प्राउड एंड आई गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। कहीं ना कहीं आर्मी जैसी फीलिंग दी इस कैंप ने आपको? यस सर, सर वी गेन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और आर्मी लाइफ कैसे एक्सपीरियंस करनी वो भी यहाँ पे आके पता चला थोड़ा। क्या लगता है एनसीसी कितनी आपको सहायक बनेगी आपके जीवन के अंदर आगे आपके भविष्य संवारने में? सर इट इज सो सपोर्टिंग सर, इट ट्रेन्स अस वेरी वेल। कहीं ना कहीं कैडेट भी काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि आज आखिरी दिन एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह साहब ने इनको पुरस्कृत किया है और ये बहुत सारी यादें यहां से लेकर जा रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डाले। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है।
आइए आगे बढ़ते हैं। असम के लोग भी केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के विस्तार की घोषणा से बेहद उत्साहित हैं। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं और हर आदमी को फायदा होगा, पहले से था ही था। और 70 साल वाला को जो दिया है 5 साल का इंश्योरेंस, ये तो बहुत अच्छा ही किया है, बहुत अच्छा किया है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। पेंशन होल्डर वृद्धा लोगों को बहुत खुशी का बात है, पहले भी आयुष्मान भवन देता है लेकिन उसमें कुछ जटिलता था, उसका BPL का कार्ड जिसको होगा, रेशन कार्ड जिसको होगा, इसीलिए को मिलता है। अभी काल में जो कैबिनेट डिसीजन लिया था, ये बहुत खुश की खबर है, वृद्ध लोगों को सारा वृद्ध लोग का जो उपकृत होगा। स्वास्थ्य बीमा का जो इंश्योरेंस, बीमा का जो प्रावधान रखा है, 70 साल से ऊपर वाला जो लोग है, हम लोगों का बुजुर्ग लोग है, उन लोगों को जो ये सुविधा मुहैया कराया गया है, वाकरण कराने वाला है, ये एक बहुत आदरणीय पदक्षेप हमको लगता है, बहुत अच्छा होगा। गरीब लोग का बहुत इस स्कीम से बहुत मदद होगा। हम लोग का इस स्कीम के, भारत सरकार ने जो स्कीम रिलीज किया है, भारत सरकार को हम जनरल पीपल से हम धन्यवाद किया है सुन के, और बहुत अच्छा लगा ये आयुष्मान भारत। ये हम लोग के लिए 70 बरस की उद्धत जो लोग असम या भारतवर्ष में बसवास करते हैं, उन लोग के स्वास्थ्य प्रति जो सजागता या जो केयर लिया है गवर्नमेंट ने, उसके हम लोग सरकार के आधार पर हम लोग शुक्रगुजार है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना के तहत लिए गए फैसले से पटना के बुजुर्ग भी काफी खुश हैं और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मोदी जी ने जो यह फैसला लिए हैं कि चाहे उसकी आर्थिक स्थिति किसी तरह किसी प्रकार का क्यों न हो, यदि वो 70 वर्ष से ऊपर का है तो उसको आयुष्मान कार्ड में जोड़ा जाए, यह फैसला यह निर्णय उनका स्वागत योग्य है और इससे बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा, जिसके लिए हम तहे दिल से मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसे ही लोक कल्याण योजना ला करके देश को खुशहाल बनावेंगे, लोगों को खुशहाल बनावेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए जो यह आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये 1 साल के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये चिकित्सा व्यय करने हेतु जो फैसला उन्होंने किया है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी परियोजना आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत आज देश में 11 करोड़ परिवार और 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है, जिसको पूरा करने की दिशा में आज केंद्र सरकार बढ़ चुकी है। जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी और खास करके भारत सरकार देश के बुजुर्गों को, पूर्वजों को एक सम्मान के तहत और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जिस प्रकार से काम कर रही है, ये निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के लोग भी केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को लेकर लिए गए फैसले से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि लोगों को इलाज कराने में बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जिनका 60 वर्षों की जी मर्यादा थी, वो मर्यादा बढ़ा के 70 साल की है, उससे उन जो लोग हैं जिनको 50 साल के बाद इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी दिलासादायक बात है। यहाँ पे जो अभी केंद्र सरकार ने जो 60 साल का जो आयुष्मान भारत का जो योजना था, तो अभी वो 70 साल के लिए किया है, तो अभी केंद्र सरकार ने जो वो किया है, तो हॉस्पिटल्स की वजह से वो ज़्यादा पैसे पड़ते थे सबको, वो जो कैशलेस योजना है अभी वो 10 साल एक्सटेंशन किया है, इसलिए वो सभी को उसको उसका लाभ मिलेगा और हॉस्पिटल्स में जो कैशलेस होता है उससे ही ज़्यादा वो सभी जेस्ट 70 साल के सब जो नागरिक है देश के, उसको उसका बड़ा ही लाभ हो जाएगा। ये आयुष्मान भारत जी योजना थी 60 वर्ष के आयुमान लोगों के लिए, अभी वो 70 वर्ष के लोगों के लिए बढ़ा दी गई है और ये बहुत अच्छा हो गया है कि
कि बहुत जो ज्येष्ठ जो हमारे माए बाप है उनको उसका लाभ होगा और लाखों रुपए जो खर्चा होता है हॉस्पिटल के ऊपर वो बच जाएगा। आयुष्मान योजना पर केंद्र सरकार के निर्णय को राजस्थान की जनता भी स्वागत कर रही है। वृद्धजनों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, जिन जो बिल्कुल बेसहारा है, जिनके पास कोई भी साधन नहीं है, उनको भी इलाज का फायदा मिल जाएगा। करीब करीब सफिशियंट है 5 लाख की राशि एक साल के लिए। बहुत अच्छा है सबके लिए, सारे बुजुर्गों को, पुराने लोगों को फायदा मिलेगा इसके अंदर, जिनके पास पैसा नहीं है वो इलाज करा सकेंगे। जो 70 साल के बुजुर्ग थे उनके पास इनकम ऑफ सोर्स तो होता नहीं है। केंद्र सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम लेके आए, ये बहुत अच्छा योजना जो उन्होंने चुनाव में जो वादा किया था वो पूरा किया। 70 साल के अक्सर बेचारे न तो हाथ पैर चलते हैं उनके, न कुछ कमाने खाने का कुछ भी नहीं है, आज उनका सब बढ़िया अच्छा इलाज हो जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है, मोदी ने जो किया बहुत अच्छा किया, शानदार किया। इससे सभी वर्गों को फायदा है, बुजुर्गों को। पहले ये योजना 50 साल के लिए थी, अब मोदी जी ने इसको बढ़ा के 70 साल करी है। इससे लाचार, बेसहारा, गरीब सभी लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। पहले 50 साल तक के लोगों का आयुष्मान योजना में फ़ायदा मिलता था, अब 70 साल के लोगों को भी आयुष्मान योजना में फ़ायदा मिल रहा है। आज मोदी जी ने सब वर्गों का ध्यान रखते हुए ये अच्छी योजना चालू की है। मोदी जी सबके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा सब लोगों का, इसमें निःशुल्क इलाज होगा। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यही अनुमति दी। नमस्कार।